हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जिंदगी एवरीडे पे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और आज एक फेस मास्क का रिव्यू करूँगी मैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल फेस मास्क है। ये फेस मास्क डॉटन की का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये बिल्कुल ग्लास जार है और बहुत ही ज़्यादा हैवी वेटेड ग्लास जार है ये। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे लिखा है। ये चारकोल फेस मास्क है डॉटन की का, जो कि आपके पोर्स होते हैं उनको, जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको ये ओपन करता है, डीप क्लीन करता है। एंड ये कुछ इसमें बोला है, और ये डिटॉक्सिफाइंग यानी कि डिटॉक्सिफाई करता है आपके यू नो फेस के स्किन को एंड पोर्स को। मूज मास्क है ये तरीके का कुछ। ये ट्रांसपेरेंट जार है बट अंदर ये क्योंकि चारकोल मास्क है तो ये ब्लैक कलर का है, तो आपको बाहर से भी ब्लैक ही दिखेगा। एंड ऊपर इसमें वाइट कलर का ये यू नो ढक्कन दिया हुआ है। और अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 85 ग्राम की क्वांटिटी के साथ आता है और MRP इसकी 625 है। और कभी कभी इसमें छूट भी मिलती है, नायका में जैसे अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको ये 535 के अराउंड मिल जाएगा। एंड बात करते हैं इसकी, तो इसको कुछ इस तरीके से हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमको एक और ये वाइट प्रोटेक्शन कैप दिखेगा। जब इसको भी हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको अंदर दिखेगा। बहुत ही यू नो क्रीमी सा टेक्सचर है, बहुत ही मूजी सा टेक्सचर है। टेक्सचर अगर मैं बात करूँ आपको दिखाने की तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके के टेक्सचर का मास्क है। ईजिली स्प्रेड हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। एंड ये देखिए, ईजिली स्प्रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा यू नो थिक मास्क है ये। मास्क तो ऐसे ही होते हैं बट ये काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई। और अगर इसके फ्रेगरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कूलिंग फ्रेगरेंस है इसकी। मतलब जब आप इसको स्मेल करोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत समरी कूलिंग इफेक्ट के साथ आता है। एंड जब आप इसको अप्लाई भी करोगे तो भी ये कूलिंग आपके स्किन को देगा। एंड ये इसमें एक्टिवेटेड चारकोल बोला गया है कि है इंग्रेडिएंट में। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो जो भी आपके क्लॉक पोर्स होते हैं, जो भी पोर्स में डीप गंदगी होती है, उनको वो बाहर खींच के निकालता है और पोर्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है। एंड पोर्स जो है वो धीरे 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 आपके अगर ओपन हैं तो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये तो कुछ इसके बारे में बात हो गई। और बात करें अगर, मेड इन इंडिया है ये प्रोडक्ट। और मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इसको जब लिया था तो बहुत ज़्यादा होप के साथ मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा था ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, बिकॉज़ मैंने रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे देखे थे इसके। एंड जब मैंने इसको यूज़ किया तो ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा निकला और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसने मुझे दिया। रेगुलर यूज़ करोगे आप तो ही इसका रिज़ल्ट दिखेगा। अदरवाइज़ दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हो और रेगुलर लगा रहे हो तो ही आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा। अदरवाइज़ एक दो दिन लगाने से आपको तुरंत इंस्टेंट रिज़ल्ट उतना इफ़ेक्टिव नहीं दिखेगा। तो बट अगर इंस्टेंट की बात करूँ तो भी ये रिज़ल्ट देता है। आप इसको लगा के 20-15 मिनट्स, जब तक ये ड्राई नहीं होता, ड्राई भी क्विकली हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, तो आप उसको धीरे धीरे बस रब करके ऐसे पानी की सहायता से उसको छुड़ा लीजिए और अपना फेस जो है वो डैप करके जब आप पोछेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इंस्टेंट एक यू नो ग्लो देगा फेस पे, एक कूलिंग इफेक्ट देगा आपके फेस पे। और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो ये पोर्स को बिल्कुल क्लियर करता है। लेट मी टेल यू गाइज, ये जो इसमें लिखा है डिटॉक्सिफाइंग, बहुत सही है, ये करता है। रेगुलर यूज़ करोगे अगर आप तो आपके पोर्स में आपको डिफरेंस डेफिनेटली दिखेगा। आपके पोर्स आपको यू नो मिनिमाइज होते हुए दिखेंगे और क्लियर भी दिखेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से स्किन को डीप क्लीनिंग करता है। तो इसमें तो मैं बोलूँगी कि जो इसमें लिखा है ये 100% ट्रू है। एंड दोस्तों, बात करें अगर इस मास्क के यू नो वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 625 का है ये, तो देखिए 625 का तो है बट मैं बोलती हूँ कि काफ़ी वर्थ है। अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हो तो ये काफ़ी चलता भी है, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार लगा रहे हो। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ तो मेरा आराम से चल जाता है। आप अगर इसको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार भी लगाओगे तो भी आराम से चल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आता है। एंड वर्थ इन्वेस्टिंग है, एक बार आप लेके ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं तो बोलूँगी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, रिजल्ट देता है। और मेरे स्किन पे तो कोई भी इचनेस या रेडनेस या कोई भी ऐसा ड्राइनेस नहीं फील हुआ मुझे। स्किन टू स्किन भी ये चीज़ डिफ़र करती है, सबकी स्किन अलग है।
और जहाँ तक बात करें अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। जैसा कि बोला एक्टिवेटेड चारकोल है, तो ये आपकी जब स्किन में डीपली जाता है, जो भी डर्ट जो भी गंदगी है उसको पुल करके बाहर निकालता है। तो डेफिनेटली जो भी जो ऑयली जो ऑयल्स बनते हैं फेस पे, वो जो आपके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनकी ही वजह से बनते हैं। तो जब वो पोर्स क्लियर हो जाते हैं तो वो ऑयल भी कम बनना जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बहुत कंट्रोल करता है। एंड जहाँ तक बात है एक्ने पिंपल्स की, तो जब आपके ऑयल सेक्रेशन कम होगा तो एक्ने और पिंपल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगी कि ये समर्स के लिए तो बून है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपकी सेंसिटिव और ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये मेरा पर्सनल फीडबैक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपने यूज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे किस किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है। अगर तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए गाइज, इट मीन्स अ लॉट। और मैं जेन्युइन रिव्यूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, बाय बाय।